हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानस्थली। आज के इस लेक्चर में हम यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के सेक्शन डी की बात करेंगे, जिसमें प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं टीचर एजुकेशन के, तो उनको हम समझेंगे। सो किसी भी प्रोफेशन के गाइस कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो इसी तरह से टीचर एजुकेशन के क्या कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं, तो इस पर हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसी लेक्चर को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि जिसमें मैंने बात की थी आपसे कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यानी कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप अपने प्रोफेशन को लेके कितने ऑनेस्ट हैं। क्योंकि एक टीचर को बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होना पड़ता है। अगर किसी टीचर के अंदर ऑनेस्टी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, तो वो एक अच्छा टीचर नहीं कहा जाएगा। सो एक टीचर के प्रोफेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपके अंदर अपने प्रोफेशन को लेके कितनी ऑनेस्टी है, कितनी ईमानदारी है, कितने लॉफुल हैं आप। दूसरी चीज़ है कि आप कितने रेस्पॉन्सिबल हैं, यानी टीचर का जॉब बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है, तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप एक टीचर, टीचर का मतलब क्या है, टीचर का मतलब है कि जो नॉलेज देता है बच्चों में, क्या करता है, नॉलेज को एक्वायर करने में हेल्प करता है। टीचर एक ऐसा पर्सन है जो नॉलेज को एक्वायर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो इथिक्स होते हैं वो कोड की बात करते हैं कि क्या रूल्स होने चाहिए। तो किसी प्रोफेशन में, टीचर के प्रोफेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि आप दूसरे बच्चे की जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, उनको डेवलप कर रहे हैं। तो नॉलेज और स्किल को डेवलप करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके अंदर सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए कि टाइम टू टाइम आप अपने आप को रेगुलेट करते रहें। सॉरी, तो आपके अंदर सेल्फ रेगुलेशन का फीलिंग होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके अंदर बच्चों को ग्रोथ करने के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, यानी कि बच्चों की किस तरह से डेवलपमेंट करना है, किस तरह से उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होना है, किस तरह उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो एक टीचर को क्या बनाती हैं, उसकी इथिक्स बताती हैं कि एक टीचर कितना प्रोफेशनल है अपने प्रोफेशन को लेकर। दूसरी बात इसमें है कि क्या नहीं होना चाहिए एक टीचर के अंदर। एक टीचर के अंदर अपने बच्चों को हैरेसमेंट ना करे किसी भी लेवल पे, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो। साथ ही साथ टीचर को अपने बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ अपने टीचर को कभी अपने बच्चों को अब्यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर ये आप किसी बच्चे को अब्यूज करते हैं, या फिर किसी बच्चे को आप पनिशमेंट देते हैं, या उसका हैरेसमेंट करते हैं, तो आपको माना जाएगा कि आपके अंदर अपने प्रोफेशन को लेके कोई इथिक्स नहीं है। सो अपने बहुत ही इथिक्स होने के लिए आपको इन सारी चीजों से बचना होगा। और इन सारी चीजों को रेगुलेट कौन करता है, कौन इसको देखता है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कमेटी है जो इथिक्स देखती है, वो इथिक्स को, कमेटी को देखने वाले का नाम है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इथिक्स को के बारे में बताती है, उसको गाइड करती है, कंट्रोल करती है, यानी कि जो टीचिंग के लिए जो इथिक्स बनाए गए हैं, उन इथिक्स को कोई टीचर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए कौन रेगुलेट करता है, उसको NCTE करती है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते भी हैं, ठीक है। सो इथिक्स के बारे में आपने समझ लिया कि क्या क्या टीचिंग को लेके इथिक्स होते हैं। अगला आपका इसमें टॉपिक है फ्रेंड्स कि टीचिंग के जो पर्सनल जो टीचिंग का जो डेवलपमेंट होता है, किसी टीचर का जो डेवलपमेंट होता है, उसको क्या फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं, यानी कि शिक्षक की जो समस्याएं होती हैं, एक टीचर की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप टीचर बन जाएंगे तो समझेंगे कि टीचर के प्रोफेशन में क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं की बात अगला टॉपिक है कि क्या फैक्टर हैं जो अफेक्टिंग करते हैं टीचिंग को। तो आपको पता होगा कि जैसे एक हर प्रोफेशन में कुछ समस्याएं होती हैं, इसी तरह से टीचर के में कुछ प्रॉब्लम होती हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीचिंग में क्या है कि एट द लेवल, कई सारे इसके लेवल हैं, है ना, इसको आपको समझना होगा कि किन किन लेवल से प्रॉब्लम होती है। एट द स्टूडेंट लेवल, स्टूडेंट लेवल का मतलब क्या है कि बच्चों के साथ किस तरह से, जैसे बच्चे क्या होते हैं कि अलग बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं सिर्फ एडमिशन लेके छोड़ देते हैं, कॉलेज ही नहीं आते हैं, लर्निंग नहीं करना चाहते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। तो पहला क्या है कि
दूसरा क्या है कि उनके साथ बच्चों टीचर के साथ, टीचर को क्या करना होता है स्टूडेंट के साथ, क्लासरूम में इंटरेक्शन करना होता है ना, अंधे क्रियात्मक संबंध होते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो कभी कभी अच्छा नहीं होता है। तो टीचर और स्टूडेंट को अपना रिलेशन, टीचर को स्टूडेंट के साथ जो अपना रिलेशन है उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट के लेवल पे भी बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होंगी, जो स्टूडेंट्स लेवल से है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। मान लीजिए आप पढ़ाना चाह रहे हैं पर प्रॉपर आपके पास क्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी मैं इसको एग्जांपल लेके समझाऊंगी। और किस लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि संसाधन, है ना, कि आपके पास अच्छे संसाधन नहीं है तो आप एक अच्छे टीचर की तरह काम नहीं कर पाएंगे। तो संसाधन को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, छात्रों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और क्या समस्याएं हो सकती हैं, और आपको समस्या हो सकती है मूल्यांकन इवैल्यूएशन के लेवल पे। कि किस तरह से आप बच्चों का ग्रेड दें उनको, किस तरह से उनको मार्क्स दें, किस तरह के एग्जाम लें, किस तरह का उनका एमसीक्यूज बनाएं, किस तरह से उनका कंटेंट जो उनको आपने पढ़ाया उसका आप मूल्यांकन करें, उसका इवोल्यूशन करें। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो सोर्सेज हैं, है ना, कि जो भी आपका अभी का जो मैनेजमेंट के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जो एक टीचर को हो सकती है। एग्जांपल देके मैं समझाऊंगी। जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, मैं यहाँ पे टीचर, तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि आपके साथ मेरे किस तरह के रिलेशन है और आपसे मैं किस तरह से इंटरेक्ट करती हूँ, आप मुझे किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आप मेरी बात को समझ भी पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं जो मैंने पढ़ाया है आपको। तो स्टूडेंट लेवल पे इसी तरह से टीचर को क्लासरूम में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों के साथ बातचीत करने में। तो ये जो स्टूडेंट लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई प्राइमरी स्कूल्स है तो वहाँ बोर्ड नहीं है, है ना, पढ़ाने के लिए बहुत सारी जो प्रॉपर जैसे व्हाइट बोर्ड नहीं है, मार्कर नहीं है, या फिर आप उनके पास कोई प्रोजेक्टर नहीं है जिससे वो कोई स्लाइड दिखा सके, जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो उसका उनके पास कोई भी साधन नहीं है। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर एग्जांपल लूँ कि मैं इस तरह से बोर्ड पे आपको क्लास ले रही हूँ, मुझे सोर्सेज बहुत सारे जैसे सोर्सेज हैं, प्रोजेक्टर है, कई सारे तरीके हैं, है ना, कई सारे सॉफ्टवेयर है उनका यूज कर सकती हूँ, बट आई अभी नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, संसाधन नहीं है, तो भी आप टीचिंग की प्रोफेशन में आपको प्रॉब्लम, ये टीचिंग टीचर की एक प्रॉब्लम्स होती है ना। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप मान लो मैंने आपको पढ़ा दिया, अब मैंने पढ़ाने के बाद में आपका मूल्यांकन कैसे करूँ, इवैल्यूएशन कैसे करूँ कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, किस तरह से आपके एमसीक्यूज बनाऊं, आपका एग्जाम कैसे लूं, अब मैं कैसे समझूं कि मैंने जो पढ़ाया है वो कितना ठीक है। तो ये जो सारा इवैल्यूएटिंग लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, मैनेजमेंट पर प्रॉब्लम हो सकती है कि जो मैंने क्लासेस ली हैं या आप एक टीचर बनेंगे तो आपको मैनेजमेंट के साथ भी आगे रिलेशन रखने पड़ेंगे, है ना, कॉलेज स्कूल में जो मैनेजमेंट होता है या जो एजेंसी आपका टेस्ट लेती है, कंडक्ट करती है, आप जहाँ कोर्सेज करते हैं, रिफ्रेशर्स कोर्सेज करते हैं, कॉलेजेस में आप ट्रेनिंग करते हैं, तो कई जगह आपको मैनेजमेंट के लेवल पे भी प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली ये एक ओवरव्यू है, अदरवाइज आप भी जानते हैं कि टीचिंग को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है। सो ये बेसिकली हमने प्रॉब्लम की बात की। अगला टॉपिक है आपका कि आईसीटी इंटीग्रेशन क्या होता है।